नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज ऑप्शन सेल करके दिखाएंगे। ये LS Blue का नया अपडेटेड वर्जन है, इसको एंड बीटा बोला जाता है। तो अभी ये भी यूज कर रहा हूँ और पुराना भी यूज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 22,200 का पुट 200 क्वांटिटी मतलब लगभग 16 लॉट सेल करने जा रहा हूँ। तो ये नया वर्जन है, पुराना भी लॉग इन किया, मार्केट खुलने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अभी देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आज का हमारा एम रहेगा लगभग 9 to 10,000 प्रॉफिट के आसपास। देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हो चुका है, डिसमिस करेंगे और दिखा देंगे आपको। ओके, तो ऑर्डर कंप्लीट भी हो चुका है। तो चले पुराने हमारा जो LSBU का वेबसाइट है मतलब प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे 500-600 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार, लोडिंग दिखा रहा है। तो लगभग 1400 अभी दिखाई, ऊपर नीचे होता रहता है, ऑप्शंस बहुत ही फास्टली मूवमेंट करते हैं, उसका डेल्टा हाई होता है इसलिए। तो 22,100 का पुट भी यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, 100 क्वांटिटी मतलब लगभग 4 लॉट। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2,600 प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन हमारा एम था 9 या 10,000। तो और भी ट्रेड लेंगे, मैं अपडेट कर दूंगा, तो वेट करते ट्रेड के लिए। दोस्तों ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ही बड़ा कैपिटल लगता है। आज का जो हमारा कैपिटल यूज होगा लगभग 7 से 9 लाख के बीच में होगा, 7 से 9 लाख, और हमारा रिस्क भी बड़ा रहेगा। तो जब भी मेरे को ट्रेड मिलेगा मैं अपडेट करूंगा। तो मैंने ये कुछ स्ट्रैडल बनाया हुआ है, नीचे से पुट और ऊपर से कॉल शॉर्ट किया हुआ है। अभी लगभग 5,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। जैसे जैसे आगे जाएगा, हमें 9 या 10,000 के आसपास प्रॉफिट दिखाएगा, हम उसको बुक कर लेंगे। इसमें स्टॉप लॉस भी थोड़ा आपको ट्रेल करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो मेरे दूसरे सिस्टम में चार्ट देख रहा हूँ, तो चार्ट में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिली जाएगी। जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि ज्यादा कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी 9,300-400 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, तो प्रॉफिट बुक करेंगे। सबसे पहले हमारा जो 22,600 का स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करेंगे 35 से 31 के बीच। ओके, प्रॉफिट ही बुक कर लेंगे यहाँ पे शायद, मैं देख रहा हूँ दूसरे हमारे सिस्टम में टर्मिनल। ओके, तो 8,700 के आसपास हमने लगभग प्रॉफिट बुक किया है। ऑप्शंस में जब भी आप प्रॉफिट बुक करते हो तो 500 या 700 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं अभी आपको लॉजिक समझा दूंगा चार्ट पे। जब लॉजिक समझोगे तब भी आप इतने बड़े बड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा दूंगा और बताना चाहूंगा, टेलीग्राम चैनल भी हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पे इक्विटी पे कॉल प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखाई देता हूँ एक बार। ओके ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश कर रहा हूँ, देख सकते हो लोडिंग हो रहा है। अभी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगा तो बाकी का वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, देख सकते हो यहाँ पे लगभग 9,000 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है। उसके कुछ ऑर्डर्स भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ट्रेड्स के एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, ये देखिए। तो चलिए लॉजिक के लिए हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे मैं पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर लूँगा। ओके, तो देख सकते हो अभी लाइव मार्केट चल रहा है। अभी का टाइम हो चुका है लगभग 1:15 हो चुके हैं, मैं फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो कल मार्केट क्लोज हुआ था 22,549 के आसपास, लगभग 22,500 के आसपास क्लोज हुआ था। अच्छा मोमेंट था, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाना चाहिए था, उसने अच्छा एक क्लोजिंग दिया था। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ? आपको पता होगा कल यूएस ने मतलब यूएस का जो उनका गवर्नमेंट का बैंक है, जैसे कि हमारा RBI, उन्होंने एक न्यूज़ अनाउंस की कि यहाँ से आगे 3 साल तक कोई भी आपके लोन के ऊपर ब्याज नहीं चार्ज किया जाएगा, लगभग 0% लिया जाएगा आपसे ब्याज। तो ये चीज़ें थी, इसके कारण पूरे वर्ल्ड के मार्केट निगेटिव ओपन हुए, वैसे ही हमारा मार्केट भी निगेटिव ओपन हुआ। तो हमने सुबह उठने के बाद मार्केट जैसे निगेटिव ओपन हुआ तो हमारा जो स्ट्रैडल था वो चेंज किया। देख सकते हो मैंने आपको वीडियो में पहले ही दिखाया था कि मैंने एग्रेसिवली 22,100 एंड 22,200 के पुट सेल किए थे। उसका मतलब यह था पुट सेल करने का मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, मैं आपको 1 मिनट का भी चार्ट दिखा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रेडर एनालिसिस कैसे करता है और उसका प्लान कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो देख सकते हो मैंने लगभग 1 मिनट ही वेट किया था, उसके बाद ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने 1 मिनट वेट किया था रिट्रेसमेंट का, उसके बाद ट्रेड लिया था और लगभग विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर मैंने 2,500-600 का प्रॉफिट बुक किया था। ओके, तो चलते हैं 15 मिनट्स के कैंडल के ऊपर। जो भी नए हैं उन्होंने हमेशा 15 मिनट का चार्ट कैंडल लगा के यूज़ करना है, वो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। नहीं तो 1 मिनट के अंदर आपको थोड़ा सा मार्केट जैसे ही वोलेटाइल होता है तो आपका मतलब
जो भी आपके ट्रेड है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो देख सकते हो अच्छा ट्रेड था यहाँ पे, लगभग 22,600 700 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट, और नीचे 22,000 से लेके 22,200 मतलब 22,000 से 22,200 के बीच में अच्छी पुट राइटिंग हुई थी, मतलब अच्छा सपोर्ट था। तो यहाँ पे मैंने अपना स्ट्रेडल बना लिया था जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, तो मैंने खाली वेट किया और मार्केट मेरे रेंज के अंदर बंद हुआ, इसलिए प्रॉफिट बुक हुआ मेरा। तो आपको ये चीज़ें एनालिसिस करना आना चाहिए। तो मैं एक हिंट के लिए बता भी देता हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आपको 15 मिनट का जो कैंडल है टाइम फ्रेम वो लगाना है, उसके अंदर आपको देखना है, वेट करना है हमेशा। तो पहला कैंडल रेड हुआ था क्लोज, तो उसका मतलब था कि ना बायर जीते या ना सेलर जीते। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट डोजी कैंडल का पैटर्न दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसका मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और जैसे कि आपको पता है डोजी के बाद हमेशा रिवर्स होता है ट्रेंड, मेरे अपने पिछले जितने भी वीडियो है उसमें बताया कि डोजी के बाद कैसे ट्रेंड रिवर्स होता है। तो अगर आपने यहाँ भी ट्रेड लिया होता इसका स्टॉप लॉस डाल के नीचे का, तब भी आपको 1:2, 2, 3, 4 अच्छा प्रॉफिट हो जाता, विद इन टू कैंडल्स के अंदर आपका प्रॉफिट बुक हो जाता। तो ये चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी चाहिए, और आपका जो भी ट्रेड है अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कैपिटल हो, जो भी आपका एक अमाउंट कैपिटल हो उसके हमेशा 2 या 3% का ही रिस्क लीजिए और प्रॉफिट भी वैसे ही बुक कीजिए, तभी आपका कैपिटल इंक्रीज होगा। नए नए अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो डेली बेसिस पे। वहाँ पे हम फ्री कॉल प्रोवाइड करते हैं जिसका विनिंग रेशियो 60 से 70% होता है। मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, तो हमेशा आपको बी प्रिपेयर रहना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस देने के लिए भी आप रेडी होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं दे सकते हो तो गेम को प्ले मत कीजिए। इसका मतलब क्या है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं दे सकते हो तो ट्रेडिंग मत कीजिए, दूसरा कोई भी बिजनेस कर सकते हो आप। तो ये कुछ चीज़ें थी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को यहाँ पे एंड कर देते हैं, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।